ठीक है सर, आज अब टाइम दिया आज उन्होंने, मतलब आज जो तो रेड कागज देख लिए उनके डीडीपीओ साहब ने, और बिल्कुल ये इतना बड़ा अधिकारी करता है, नहीं 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 10 साल बाद तो रजिस्ट्री हो सकती है इनकी। मैंने कहा रजिस्ट्री तो हुई नहीं, रजिस्ट्री भी नहीं हुई, और 10 साल बाद क्या आप मेरे को दिखा दो सबूत, कहाँ है वो सर? अभी अभी आपने कांग्रेस को भी बुरा बताया, बीजेपी को भी बुरा बताया। चुनाव का समय है, 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव होंगे, तो गांववासी अपना मत किसे देंगे? गांववासी को नहीं पता जी, लेकिन ये गरीब जनता जिन जो धक्के खा रहे हैं, हमें तो इनका पता और मेरा पता, किसे देंगे हम? ये तो हमारे इस आंदोलन में, अब ये पक्का पुल पीर के सामने आंदोलन शुरू होगा, मत किसे देंगे? मत की किस पार्टी को मत देंगे? जो हमारे इस आंदोलन में शामिल होगा, हमारा सहयोग करेगा, अगर हम जाए जाएंगे हम उसको वोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसको वोट देंगे, हमारी कोई सुनाई नहीं करेगा, हम किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। तो आप दृश्य देख रहे थे, मानव सेवा संघ करनाथ थे, जहां धर्म परिवर्तन की आखिर में मेरा एक सवाल है, दलित सहयोग करेगा, हम उसको वोट देंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे कि हमारी सुनाई नहीं हो और हम भटकते फिरे दुनिया भर में, तो हम ऐसे वोट नहीं देंगे। क्या धर्म परिवर्तन इसका हल है? जो अगर हम धर्म परिवर्तन करेंगे तो ये नहीं होगा, मजबूर होकर नहीं करना पड़ेगा, छोड़ते मजबूर है, मजबूर होकर नहीं करना ही पड़ेगा, ये तो जब हमारी सुनाई नहीं होगी तो मजबूर होकर, क्या इस्लामिक धर्म प्रणाली से आपको हल हो जाएगा? आपको जब ये हल होगा, ये कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ समाधान तो निकलेगा। हाँ जी आप बोलो, कुछ ना कुछ समाधान तो होगा ही, नहीं होगा नहीं होगा तो